नमस्कार दोस्तों, एलएम स्टूडेंट जॉब पर आपका स्वागत है। आज हम जो भर्ती आई थी 41 सफेदी कोरू मिलिट्री स्टेशन, वहाँ पर आपका फिजिकल होने वाला था। 41 सफेदी में भर्ती आई हुई थी, उसके न्यू नोटिफिकेशन जो पीछे आई भर्ती आई हुई थी उसका अक्टूबर से फिजिकल स्टार्ट था, वो कैंसिल हो गया था। उसका नया फिजिकल डेट है वो अब इन्होंने जारी कर दिया है, नोटिस जारी किया है। तो उस नोटिस के हिसाब से हम आपको बता देते हैं कि उन्होंने क्या नई डेट दिया है फिजिकल के बारे में। तो अपना एडमिट कार्ड जो आपने इस्तेमाल कर रखा था, उसी एडमिट कार्ड में अपनी डेट दे देना, कौन सी फिजिकल आपकी डेट है, उस फिजिकल डेट के हिसाब से आपको इस तारीख को जाना है। तो बता देते हैं सर्वप्रथम फायरमैन, तो फायरमैन की डेट यहाँ देखो, तीन इन्होंने डेट दी थी, 11 अक्टूबर 2021, 12-13 अक्टूबर 2021, 14 अक्टूबर 2021, 15 अक्टूबर 2021। तो इन सभी की नई डेट क्या है वो हम बता देते हैं। नई डेट है 11 अक्टूबर वालों को जाना है 28 मार्च 2022 को, 12 और 13 अक्टूबर वालों को जाना है 29 से 30 मार्च को, 29 व 30 मार्च को 2022 को जाना है। 14 अक्टूबर 2021 वालों को कब जाना है, 31 मार्च 2022, 15 अक्टूबर 2021 वालों को जाना है 1 अप्रैल 2022। ये तो आपकी जो कॉलेट में डेट दी गई थी वो डेट है, और ये डेट है वो नई डेट है जिन्होंने, ये देखो यहाँ लिखा है फ्रेश डेट ऑफ द रिपोर्टिंग, यानी इस डेट को आपको रिपोर्ट होना है। और क्या करना है आपको, टेस्ट यानी आपका जो भी फिजिकल है फायरमैन का वो फिजिकल होगा, और डॉक्यूमेंटेशन जितने भी डॉक्यूमेंट है अपने साथ में ले जाना, वो डॉक्यूमेंट चेक होंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एमटीएस का एक दिन सभी की डेट आई थी 17 अक्टूबर 2021, तो 17 अक्टूबर डेट है उसकी, फ्रेश डेट इन्होंने क्या दिया है तो 2 अप्रैल 2022, यानी 17 अक्टूबर वालों को कब, किस तारीख को जाना है, 2 अप्रैल 2022 को जाना है। और उसके क्या होंगे, केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, यानी वो डॉक्यूमेंट चेक होंगे। उसके बाद है ट्रेडमैन मेट है, इसकी फिजिकल डेट थी 25, 27, 28, 31, यानी 25 से लेकर 3 नवंबर तक इसकी डेट थी। तो ये देख लेना आपको फिजिकल कब है और किस डेट को है, वो एडमिट कार्ड जो आपने संभाल कर रखा है उस एडमिट कार्ड पर मोर के बीच में देख लेना, उसमें डेट दी हुई है। तो 25 से 27 वालों को कब जाना है, 5, 6, 7 अप्रैल 2022 के बीच में उनका क्या होगा, फिजिकल होगा। कब होगा ध्यान से सुन लो, 25 से 27 अक्टूबर के बीच वालों को 5, 6, 7 अप्रैल 2022 को जाना है, फिजिकल होगा और डॉक्यूमेंटेशन होगा, यानी आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। जो जो डॉक्यूमेंट है उसकी हम लिस्ट है वो अलग वीडियो के माध्यम से बना देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना। और जिस भी भाई का 25 तारीख या 17 तारीख या 14 तारीख है, वो सब अपने अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जिससे सभी को पता चल सके कि किस किस की इस तारीख को यार, अपनी लोकेशन, अपनी पोस्ट और अपनी जो पुरानी डेट है वो दे देना, जिससे आपका ग्रुप बन जाएगा, आप अलग कमेंट बॉक्स के माध्यम से दूसरे की जान पहचान हो जाएगी, आपका साथी हो जाएगा, आपका स्टेट का साथी मिल जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से जरूर करना, आप किस स्टेट से हो और आपका फिजिकल किस तारीख को है और नई तारीख कौन सी है और किस आपने ट्रेड से फॉर्म भरा है। तो उसके बाद आगे बात कर लेते हैं 28 से 31 अक्टूबर वालों का, तो 28 से 31 अक्टूबर वालों का है 8, 9 और 10 अप्रैल 2022 को। उसके बाद है 1 और 2 नवंबर 2021 वालों का, तो 11-12 अप्रैल 2022, यानी 11 लेके 12 अप्रैल 2022 के बीच में उनका फिजिकल होगा। उसके बाद है 3 नवंबर 2021, जिसकी भाई की एडमिट कार्ड में डेट 3 नवंबर 2021 दे रखी थी, तो उसका 13 अप्रैल 2022 को फिजिकल होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। उसके बाद है एमए, तो एमए जिस भाई ने पोस्ट एमए से लगा रखा था, पोस्ट में वो ट्रेड पोस्ट में एमए कर रखा था, एमए से आपने फॉर्म भर रखा था, तो उसकी 19 अक्टूबर 2022 डेट आई हुई थी, उसकी फ्रेश डेट है 16 अप्रैल 2022, और डॉक्यूमेंटेशन होगा उसका, यानी उसका केवल डॉक्यूमेंट चेक होंगे। उसके बाद है जेओए अर्ली डेट, यानी 21 से 22 अक्टूबर का जिसका फिजिक डेट आई हुई थी एडमिट कार्ड, उसकी फ्रेश डेट है 17 और 18 अप्रैल 2022, स्किल टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट चेक होंगे। उसके बाद है यहाँ रिटर्न डेट,
ध्यान रखना, यहाँ रिटर्न डेट भी दे रखी है उन्होंने, यानी आपकी परीक्षा डेट है वो परीक्षा कब होगी। तो एमटीएस और फायरमैन की 4 अप्रैल 2022 को एग्ज़ाम होगा, और ट्रेडमैन का 15 अप्रैल 2022 को एग्ज़ाम होगा, एमए और जेओए का 20 अप्रैल 2022 को एग्ज़ाम होगा। यानी ट्रेडमैन का फिजिकल है, ट्रेडमैन का फिजिकल है वो 13 अप्रैल को कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद में 5 अप्रैल को आपका क्या होगा, एग्ज़ाम होगा सभी का, जो जो पास हुए उसका। तो ये एग्ज़ाम डेट भी इन्होंने दे रखी है, तो एग्ज़ाम डेट भी ध्यान में रखते हुए हम इस क्लासें चालू कर देंगे। उस क्लासें से आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो आपको कहाँ रिपोर्टिंग है, कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू रिपोर्ट टू कोल सोनम वेघुक स्टेडियम लेह लद्दाख यूटी, यानी लेह में जो स्टेडियम है वहाँ आपको रिपोर्टिंग करना है। ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स पर द कॉल लेटर विल बी फॉलो, यानी कॉल लेटर के साथ में जो भी डॉक्यूमेंट है वो सब आपको ले जाना होंगे, और कोविड प्रोटोकॉल टू बी फॉलो, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट एंड, यानी अगर आपके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट है तो वो ले जाना, अगर वैक्सीन नहीं लगी हुई है तो आरटीपीसीआर रिपोर्ट, यानी आरटीपीसीआर रिपोर्ट है वो जांच करवा कर ले जानी होगी। कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू एस अलाइनमेंट देम सेल्वेज फॉर ए लेटेस्ट 6 डे बिफोर कमिंग फॉर द फिजिकल टेस्ट, यानी आपको कम से कम फिजिकल डेट से 6 दिन पहले जाना होगा। यूनिट विल बी नॉट बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी इंजूरी मेड कम्प्लेक्शन, यानी आपकी कोई भी समस्या हो जाती है तो इन भर्ती वालों की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। कैंडिडेट हैव ए अरेंज फॉर ए बोर्डिंग लोडिंग इन ट्रांसपोर्टेशन कैंडिडेट टू कैरी देयर ओरिजिनल कॉल लेटर सेंड एयरली, यानी कैंडिडेट को कैरी यानी साथ में ले जाना है ओरिजिनल कॉल लेटर, जो कॉल लेटर इन्होंने भेजा है वो आपको साथ में लेकर जाना होगा। कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू कैरी लेटेस्ट मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर फिजिकल फिटनेस मेडिकल सर्टिफिकेट नोट ओल्डर देम 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसेंट रैली, यानी इन्होंने क्या रखा है, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट के ले जाना, जो भी आपने फॉर्म भरते समय मेडिकल सर्टिफिकेट लिया था वो मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको बनवा के 1 महीने का, ज्यादा 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, उसको बनाकर ले जाना होगा। इन्होंने डेट ये कब पब्लिश किया था, ये जनवरी 2022 में पब्लिश कर दिया था। कुलदीप सिंह कर्नल कमांडेड, इन्होंने ये जारी किया था, यहाँ लिखा हुआ है 56 APO जो हमने फॉर्म भराया था। और कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे चैनल आलम स्टडी एंड जॉब को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, जिससे हम आपको ट्रेडमैन की फायरमैन की ये सब क्लासें ये इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से संपूर्ण कोर्स कराने की कोशिश करेंगे 1 माह के अंदर अंदर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जरूर रखें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।